आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी जीत की दावेदारी को ठोकना भी शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ भाजपा के सामने 2017 के निकाय चुनाव के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, तो वही तमाम विपक्षी पार्टियां 2023 में जनता को अपने खेमे में लाने का भी प्रयास करेंगी। तो 2017 के नतीजे क्या थे, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। निकाय चुनाव 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो भाजपा को कुल 14 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 2 सीटें मिली थी। तो नगर निकाय के मेयर सीटों पर भाजपा का दबदबा 2017 में देखने को मिला था, क्योंकि 2017 में भाजपा ने 16 नगर निगम में से 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। तो वहीं बसपा ने 2 सीटें जीती थी। वहीं अगर सपा और कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों ही पार्टियों ने अपना पत्ता तक नहीं खोला था, यानी कि सपा और कांग्रेस 0-0 वोट इनको मिले थे नगर निगम की मेयर सीटों पर। तो अगर 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि भाजपा अपना जो जीत का ये आंकड़ा है ये बरकरार रखना चाहेगी, जबकि जो सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है सपा, वो कहीं ना कहीं अब भाजपा के गढ़ में सेंधमारी मारने की कोशिश करेगी और 2023 में जीत का दावा भी करती हुई सपा लगातार नजर भी आ रही है। यूपी में नगर निगम की सबसे बड़ी बॉडी है। किसी क्षेत्र को नगर निगम बनने के लिए वहां की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। 2017 में बीजेपी ने मेयर पद की 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा ने 2 सीटों पर। तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और सूबे की मजबूत विपक्षी पार्टी माने जाने वाली सपा अपना खाता तक 2017 में नहीं खोल पाई थी, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। तो वहीं नगर निगम पार्षद की सीटों पर 2017 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये भी आपको बताते हैं। तो कुल नगर निगम पार्षद सीट है 1300, जिसमें बीजेपी को 596 सीटें मिली थी और वही बसपा के खाते में 147 सीट गई थी और सपा के खाते में 202 और कांग्रेस के पास 110 सीटें आई थी। वहीं अन्य की अगर बात करें तो 245 सीटें अन्य के खातों में गई थी। तो निकाय चुनाव 2017 के नतीजे हम आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। वहीं अगर कुल नगर निगम पार्षद सीट की बात करें तो 2017 में 1300 सीटें थी, जिनमें से 110 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली थी, 245 अन्य के खाते में गई थी। तो अन्य जो है वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभाता है। वहीं अगर एक बार और नगर निगम पार्षद सीट पर हम नजर डालें तो 596 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और बसपा के खाते में 147। और सपा की अगर बात करें तो सपा यूपी का मुख्य विपक्षी दल माना जाता है और सपा के खाते में 202 और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खाते में कुल 110 सीटें गई थी। तो जहां एक तरफ 2023 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो 2017 के नतीजों पर भी गौर करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहां इस बार यानी कि 2023 में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की 199 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, तो वहीं साल 2017 में 198 सीटों पर चुनाव हुए थे। लेकिन अगर नगर पालिका की ये सीटें नगर निगम से जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही छोटा होता है, यूपी में कुल 199 नगर पालिका है, ये नगर निगम से छोटा और नगर पंचायत से बड़ा होता है, यानी कि ये मध्यम श्रेणी में आता है। किसी क्षेत्र को नगर निगम बनने के लिए उसकी जनसंख्या 1-5 लाख के बीच होनी चाहिए। नगर पालिका के प्रमुख को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, तो वहां का प्रशासनिक अध्यक्ष भी वही कहलाता है। अगर नगर पालिका की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर उसे नगर निगम बना दिया जाता है, जैसा कि इस बार शाहजहांपुर के साथ हुआ, क्योंकि शाहजहांपुर की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई, जिसके बाद अब शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया जा चुका है। तो कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्षों की सीटें अगर हम 2017 के आंकड़ों पर जाएं तो 2017
2017 में भाजपा के खाते में 77 सीटें आई थी, बसपा के खाते में 29 सीटें आई थी। और अगर सपा की बात करें तो 45 सीटों से ही सपा को संतुष्ट होना पड़ा था और कांग्रेस के खाते में अन्य 9 सीटें गई थी। वही अगर अन्य की बात करें तो 45 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो नगर निकाय चुनाव 2017 के नतीजे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाजपा के पक्ष में थे, यानी कि 2017 में जहां विधानसभा चुनाव में भी यूपी में भाजपा का जो परफॉर्मेंस था वो काफी दमदार था, तो निकाय चुनाव में भी 2017 के नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। क्योंकि अगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के जो नतीजे हैं उस पर हम नजर डालें तो भाजपा के खाते में 70 सीटें, बसपा के खाते में 29 सीटें, सपा के पास 45 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें गई थी। वही अन्य की झोली में 45 सीटें भी गई थी। तो नगर निकाय चुनाव 2023 अब से महज कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये 2 चरणों में होंगे, लेकिन उससे पहले हम 2017 के नतीजे भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के साथ सदस्यों का भी चुनाव होता है, जिसकी संख्या 2017 में 5,261 थी, जिसमें हर पार्टी ने अपना अपना दम दिखाया था। आइए आपको दिखाते हैं 2017 के नगर पालिका परिषद के सदस्यों के नतीजे क्या रहे और कौन सी पार्टी का कितना जादू चला है। तो कुल नगर पालिका परिषद सदस्यों की सीटें 2017 में थी 5,261, जिसमें से भाजपा की झोली में 923 सीटें गई थी, बसपा के खाते में 262 और सपा की झोली में 487 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में भी जो है सीटें काफी कम गई थी। वही अगर अन्य की बात करें तो 3,441 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो 2017 के अगर नतीजों पर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं भाजपा काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली थी। वही अगर अन्य की बात करें तो अन्य में हमने निर्दलीय प्रत्याशियों का भी आंकड़ा आपस में मिला दिया है, तो वही भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस के साथ हम निर्दलीय और अन्य का आंकड़ा भी एक साथ मिलाकर आपको दिखा रहे हैं। तो कुल नगर पालिका परिषद सदस्यों की सीटें 2017 में 5,261 रहे, जिनमें भाजपा के खाते में 923 सीटें आई, सपा के खाते में 487 सीटें गई और बसपा 262 सीटों पर अपना जादू दिखाने में सफल रही है। वहीं अब अगर बात करें नगर पंचायत की तो ये सबसे छोटी बॉडी है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में बदलने वाले इलाकों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनने के लिए वहां की जनसंख्या 30,000 से 1,00,000 के बीच होनी चाहिए। नगर पंचायत के प्रमुख को नगर पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष पर क्या रहा जनता का मूड, ये भी समझना जरूरी है। तो कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें 438 रही थी, वही भाजपा के खाते में 100 सीटें आई थी और बसपा को 45 सीटें मिली थी। तो वहीं अगर सपा की बात करें तो 83 सीटें सपा के झोली में गई थी और कांग्रेस 17 सीटों पर ही महज सिमट के रह गई थी। वहीं अन्य के साथ हमने निर्दलीय को भी जोड़ा है, जहां 193 सीटें अन्य के पास गई हैं और अन्य के साथ हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि हमने निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जोड़ा है। तो भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के 2017 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं अगर 2023 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि आम आदमी का प्रदर्शन दिल्ली और पंजाब में काफ़ी सराहनीय रहा है। तो ऐसे में 2023 में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाए। लेकिन कुल अगर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर हम एक बार फिर से नजर डालें और ये आंकड़े 2017 के हैं जिनको हम आप तक पहुंचाए, वहीं भाजपा के खाते में 100 सीटें गई थी, बसपा के पास 45, कांग्रेस के पास 17 और अन्य और निर्दलीय को मिला के 193 सीटें मिली हैं। तो अभी नगर पंचायत अध्यक्षों के बारे में और उनके 2017 के नतीजे हमने जाने। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ नगर पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होता है, जिसमें हर पार्टी ने 2017 में अपना दमखम दिखाया। क्या रहे नतीजे, आइए जानते हैं।
तो कुल नगर पंचायत की सीटें 2017 में 5,434 रही है, जिनमें से 218 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज कराई, तो वही 453 सीटें सपा के खाते में गई है। कांग्रेस 126 सीटों पर सिमट कर रह गया। वही अगर अन्य और निर्दलीय का आंकड़ा एक साथ मिला दिया जाता है तो 3,973 सीटें अन्य और निर्दलीय के पास गई हैं। तो 2017 के नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2023 के जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। 4 मई को पहले चरण का जो मत है वो डाला जाएगा, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तो वही 2017 के नतीजे हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका निभाता है देश के विकास में, प्रदेश के विकास में। तो ऐसे में आपके पार्षद ने, आपके यहाँ के मेयर ने कितना काम किया है और आपने किस तरीके से 2017 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो वही कुल नगर पंचायत सदस्य की सीटों पर एक बार नजर डाले तो अन्य और निर्दलीय के खाते में 3,973 सीटें गई और कांग्रेस 126 सीटों पर सिमट गया। और सपा की अगर हम बात करें या सपा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 453 सीटें ही सपा के खाते में गई। और अगर बसपा के जो नतीजे हैं उस पर अगर एक हम नजर डालें तो 218 सीटें बसपा के खाते में आई हैं। में यूपी को कुल 17 मेयर मिलेंगे, जिसमें शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी। लेकिन इससे पहले 2017 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा, जबकि 2 सीटों पर बसपा काबिज रही। तो आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो 2017 में जनता की पसंद बने, ये भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 2017 के अगर विजय मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट हम आपको दिखाएं तो मथुरा में मुकेश आर्य, मेरठ में सुनीता वर्मा, फिरोजाबाद में नूतन राठौर और वाराणसी में मृदुला शर्मा ने मेयर के पद पर जीत दर्ज की थी। और वहीं संजीव वालिया सहारनपुर से, सीताराम जायसवाल गोरखपुर से, संयुक्ता भाटिया लखनऊ की सबसे बड़ी नगर निगम यानी लखनऊ से और उद्योग नगरी कानपुर से प्रमिला पांडे ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद से आशा शर्मा, आगरा से नवीन जैन, इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से अभिलाषा गुप्ता और बरेली से उमेश गौतम ने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल और अलीगढ़ से मोहम्मद फुरकान, जो कि बसपा से प्रत्याशी बनाए गए थे, फुरकान ने जीत दर्ज की थी। झांसी से रामतीर्थ सिंगल और अयोध्या यानी कि भगवान राम की नगरी से ऋषिकेश उपाध्याय ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज करी थी। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर 2017 के नतीजों पर एक हम नजर डालें तो कुल 16 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 14 सीटों पर भाजपा जीती थी और 2 सीटों पर बसपा जीती थी। और अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी वो है अलीगढ़ और मेरठ। उसके अलावा सभी सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। तो अलीगढ़ में मोहम्मद फुरकान ने जीत दर्ज की थी, ये बसपा से प्रत्याशी बनाए गए थे। जबकि अगर अयोध्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषिकेश उपाध्याय मेयर चुने गए थे, मेरठ से सुनीता वर्मा चुनी गई थी और बसपा ने सुनीता वर्मा पर 2017 में अपना दाव लगाया था और बसपा के यही दाव बिल्कुल सटीक बैठा क्योंकि यहां से उनकी मेयर चुनी गई। लेकिन अगर 14 सीटों पर हम पूरे नजर डालें तो 14 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। और जितनी भी हमारी धर्मनगरी है या यूं कहें कि यूपी की जितनी भी धर्मनगरी है उनमें से ज्यादातर सीटों पर भाजपा के मेयर चुने गए हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद फुरकान बसपा से चुने गए, जबकि मेरठ से भी बसपा की ही प्रत्याशी मेयर बनी है। तो मेरठ से सुनीता वर्मा बीएसपी की प्रत्याशी बनी थी और वहीं अलीगढ़ से भी बसपा का ही प्रत्याशी मेयर के पद पर काबिज हुआ था। वहीं सहारनपुर से संजीव वालिया, लखनऊ से संयुक्ता भाटिया और कानपुर से प्रमिला पांडे। तो वहीं अगर यूपी के सबसे बड़े नगर निगम यानी कि लखनऊ की बात करें तो इस बार ये महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो इस बार यहां से ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी महिला पर जनता अपना विश्वास जताती है। लेकिन इस बार कुल 17 नगर निगम की सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी कि शाहजहांपुर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है और जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा होती है वहां के क्षेत्र को मेयर चुनने का मौका मिलता है। यानी कि शाहजहांपुर एक नया नाम जुड़ा है जहां की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी। लेकिन 2017 में कुल 16 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 14 सीटों पर
भाजपा के मेयर हैं और दो सीटों पर बसपा के मेयर हैं, तो वहीं कांग्रेस और सपा का एक भी मेयर 2017 में नहीं जीता था, यानी कि सपा और कांग्रेस को क्लीन स्वीप माना जाए। के निकाय चुनाव के नतीजे तो बेहद ही दिलचस्प रहे, क्योंकि अगर हम मेयर पद की बात करें तो मेयर पद की कुल 16 सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां पर भाजपा के खाते में 14 सीटें आई थी, तो वहीं बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी। और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है, क्योंकि शाहजहांपुर को पहली बार मेयर मिलेगा। शाहजहांपुर की जनता पहली बार मेयर पद का चुनाव करेगी, क्योंकि शाहजहांपुर की जनसंख्या का अगर हम जिक्र करें तो वो 5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। और जो भी जनपद या जो भी जिला 5 लाख का आंकड़ा पार करता है, या जो भी क्षेत्र 5 लाख का आंकड़ा अगर पार कर जाता है, तो वहां की जनता को मेयर मिलता है। ऐसे में 2023 का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि 2017 के मुकाबले 2023 में वोटर्स बढ़ गए हैं, क्षेत्र बढ़ गए हैं और मेयर बढ़ गए हैं। लेकिन 2017 का जो जादू है वो भाजपा बरकरार रख पाती है या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।